सुजानगढ़ शहर के काला बाल मंदिर स्कूल के पास स्थित दादी समिति के पीछे की गली में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लग जाने की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार शाम के करीब 4 बजे के बाद इस कबाड़ के गोदाम में आग लगी, जिसके बाद धीरे धीरे लोग एकत्रित हुए। 4:15 बजे के करीब लोग एकत्रित होने शुरू हो गए, जिसके चलते फिर दमकल को सूचना दी गई। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची, जिसको भीड़ को नियंत्रित करने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे हज़ारों लोगों की भीड़ है वो मौके पर एकत्रित हो गई। दूसरी ओर बार बार सूचना करने के बाद आखिरकार करीब 4:30 बजे दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और एक जो गाड़ी भरी हुई थी पानी से वो ख़त्म होने के बाद फिर से दमकल जो है वो पानी भरने के लिए गई है। 2 दमकल एक साथ नहीं आने के चलते आग पर पूरा काबू नहीं पाया जा सका। इस संबंध में जो भी अपडेट आगे आएगा वो दे दिया जाएगा। मौके पर हज़ारों लोगों की भीड़ एकत्रित है। ASI तेजाराम सहित कोतवाली पुलिस थाने का जाब्ता तैनात है। हालांकि गोदाम में से बार बार सामान को निकाले जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोग भी अपने स्तर पर आग को बुझाने में अपनी ओर से जो मदद की जा सकती है उसको करने के प्रयास कर रहे हैं। लोगों में रातपी का माहौल रहा। एक बार की फायर ब्रिगेड नहीं आई तो आसपास के घर वालों और लोगों को भी काफ़ी डर सता रहा था कि कहीं आग उनके घर तक नहीं बढ़ जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक बार जो ही आई उसके बाद उसने पानी का जो छिड़काव है या फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाने का जो काम है एक बार किया गया तो लोगों को तसल्ली मिली कि अब आग है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, उससे नुकसान नहीं होगा। फिलहाल मौके पर आग को काबू पाए जाने के प्रयास जारी है। इस संबंध में आगे जो भी अपडेट होगा वो देने के प्रयास पूरे पूरे किए जाएंगे। आप सी सारे भाई बस अर्धा पबारी के बंदे के बारी में कई पैसे मिले।